खबर रायपुर से है, जहां पर दंतेवाड़ा उपचुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्थानीय प्रशासन और रिटर्निंग अधिकारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि दंतेवाड़ा के रिटर्निंग अधिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं, जो कि वहां पर पारदर्शी चुनाव कराने में सक्षम नहीं है और रिटर्निंग अधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वे मामले में सीईओ ने कहा है कि इसकी रिपोर्ट बुलवाई गई है, अगर कहीं कोई चूक पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। दंतेवाड़ा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर अपनी आपत्ति जताई है। कई बड़े आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण आरोप है? बीजेपी क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, इस तरीके का कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी को जेड सिक्योरिटी मिली है और सब जानते हैं कि उनके पति विधायक, जो 6 महीना भी विधायक नहीं रह पाए, उनकी हत्या नक्सलवादियों ने कर दी, और जेड सिक्योरिटी के बाद भी उनको बचेली में रुकने के लिए कमरा नहीं देना, जो कमरा एनएमडीसी ने दिया उसको निरस्त कर देना, उनके सुरक्षा वालों के लिए रुकने की व्यवस्था नहीं करना, डॉक्टर रमन सिंह जी का दौरा है उनकी 6 सभाओं में से 3 सभाओं के लिए परमिशन नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री को जब्त कर लेना, और जैसा पहले से हम आरोप लगाते रहे कि वहां के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे काम कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं, और वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष इस चुनाव के बीच में अपना जन्मदिन सरकारी छात्रावास में मनाते हैं और उसमें साथ में उनके कांग्रेस की प्रत्याशी होती है। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग से हमने आग्रह किया है कि वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने की और सुरक्षा व्यवस्था देने की व्यवस्था। जो वहां के अधिकारी है कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और कलेक्टर की वहां पे जो भूमिका है वो संदिग्ध है, और उसी बात को लेके आज चुनाव आयोग को शिकायत की है कि और इस पे तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि अब 5 दिन बचे हैं और निष्पक्ष चुनाव की मांग जो है वो हम सब लोग कर रहे हैं और उसके रिजल्ट जो है वो को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। रिजल्ट को प्रभावित करने का काम जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कर रहे हैं, ये एलिगेशन बीजेपी का है। और बीजेपी लगातार दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर ये आरोप लगा रही है। हालांकि आयोग ने आश्वासन दिया है कि उनकी इस शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। वहीं भाजपा प्रवक्ता